अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो फोर्थ थ्योरम करना है 13 चैप्टर का। तो इसके स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जो लाइन के ऊपर नहीं है, आउटसाइड द लाइन है, द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। जो परपेंडिकुलर है उस पॉइंट से लाइन तक का, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं सिंपल वर्डिंग में कहूँ तो ये है कि अगर आपके पास एक लाइन है, ठीक है, और आपके पास एक पॉइंट है जो कि लाइन पर नहीं है, आउटसाइड द लाइन है कहीं पर भी, तो उस पॉइंट का लाइन तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो एक परपेंडिकुलर है जो कि ज्वाइन कर रहा है पॉइंट को लाइन से। ठीक हो गया। अब हमने जो है वो फिगर देख लेते हैं। इसकी एक लाइन आपके पास गिवन है ए बी, ठीक है, ए बी आपके पास लाइन गिवन है, और एक पॉइंट है आपके पास सी आउटसाइड द लाइन। अब सी पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन ए पी पर, ठीक है, तो उसने इसको जो है वो डी पर मीट किया, और ये एंगल जो है वो 90 का है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो दो लाइंस होती हैं उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। उसके बाद जो है, हाँ बस अभी हमने यही कुछ किया है। ये जो डॉटेड लाइन है ये जो है ये कंस्ट्रक्शन में आएगी, ठीक है। तो गिवन में था कि अ लाइन ए बी एंड अ पॉइंट सी नॉट लाइंग ऑन द लाइन ए बी, ठीक है, एक लाइन और एक पॉइंट सी एंड अ पॉइंट डी ऑन ए बी सच दैट सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है, ये जो सी डी है ये परपेंडिकुलर है ए बी पर। व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट मेजरमेंट ऑफ द साइड सी डी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सी टू द ए बी, कि जो सी डी है दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम ये जो सी डी है दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सी टू द लाइन ए बी, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पॉइंट का लाइन से। कंस्ट्रक्शन में है कि टेक अ पॉइंट ई ऑन ए बी, हमने ए बी लाइन पर एक पॉइंट लिया ई और हमने जो है इस पॉइंट ई को सी से ज्वाइन कर दिया और हमने एक ट्राइंगल बना ली, इसका नाम है सी डी ई, ठीक है। ये पॉइंट हमने इसलिए लिया है ताकि अब हम सी का इस ई तक का जो फासला है इसको मेजर करेंगे, ठीक है, और हम देखेंगे कि ये छोटा है या ये छोटा है, ठीक है। हमने जो कहा था कि ये जो सी डी है परपेंडिकुलर है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस पॉइंट का लाइन से, तो अब हमने एक और पॉइंट ले लिया लाइन पर, हम सी का अब हम दोबारा अपनी लाइन से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, और अब हम देखते हैं कि अगर कोई और हम डिस्टेंस लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलावा कोई और लेते हैं तो क्या वो उससे छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो अगर जो है वो कोई और डिस्टेंस जो है वो लॉन्गर प्रूव हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द सी डी, तो हम कहेंगे कि जो हमारा थ्योरम है वो बात उसकी बात सही है कि जो सी डी है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर हम इस सी ई को जो है वो लॉन्गर प्रूव कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू सी डी तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल ले ली सी डी ई, ये ट्राइंगल ले ली। इस ट्राइंगल में जो सी डी बी एंगल है, ये सी डी बी एंगल, दिस इज ग्रेटर देन सी ई डी एंगल, ठीक है। सी डी बी एंगल मतलब ये जो ये वाला एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस एंगल ई। ये क्यों है? ये इस वजह से है कि ये रिजल्ट हमने लास्ट थ्योरम में भी यूज़ किया था कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। तो ये जो ये वाला एंगल बन रहा है ना सी डी बी, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है, इस वजह से हमने कह दिया कि ये बड़ा है इससे। बट मेजर एंगल सी डी बी इज इक्वल टू मेजर एंगल सी डी ई, लेकिन जो ये जो सी डी बी है मतलब ये जो ये वाला एंगल है, ये एंगल
और सी डी ई मतलब ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि हमने कहा था कि सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो जब परपेंडिकुलर हम किसी चीज़ पर ड्रॉ करते हैं तो उसके दोनों साइड्स पर जो एंगल बन रहे होते हैं वो 90 का बन रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने कह दिया कि जो सी डी बी है वो इक्वल है सी डी ई के। Therefore, CDE is greater than CED, ठीक है। इस वजह से जो CDE है ये वाला एंगल CDE, this is greater than CED। ये क्यों लिखा? ये हमने इस वजह से लिखा कि जब हमने कहा था कि CD भी बड़ा है CED से, फिर हमने कह दिया कि CD भी इक्वल है CDE के, तो यहाँ पर हमने CDB की जगह CDE रख दिया है, ठीक है। इधर तो मेरा एंगल CDE is greater than मेरा एंगल CED, और मेयर एंगल सी ई डी इज़ लेस देन मेयर एंगल सी डी ई। कुछ भी नहीं किया, इसको इधर लिख दिया है और इसको इधर लिख दिया। ऑब्वियसली फिर एक इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होना था ना, कि जैसे हम कह देते हैं कि बी जो है वो बड़ा है ए से, तो अगर हम इसे उलट देखें तो हम ये कहेंगे कि ए जो है वो छोटा है बी से, ठीक है, ऐसे होगा ना। तो उन्होंने साथ में रीज़न दिया है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, दिस एम्प्लॉयज़ कि बी इज़ लेस देन ए, ठीक है। वही बात मैंने आपको बताई है कि अगर दो का रिलेशन हो तो हम उसको जो है वो इनइक्वालिटी चेंज करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, और मेजरमेंट ऑफ द साइड सी डी इज़ लेस देन सी ई, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ द साइड सी डी ई, सी डी इज़ लेस देन ई, CD is less than CE। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसे हमने इस वजह से लिखा कि पिछले स्टेप में हमने कहा कि जो CED है मतलब ये वाला एंगल ये छोटा है, और जो ये वाला एंगल है ये बड़ा है CDE वाला, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट वर्ड्स, ये जो एंगल E है ये लेस है एज़ कम्पेयर टू एंगल D। तो हमने जो लास्ट थ्योरम्स पढ़े हैं उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई एंगल छोटा है तो उसके सामने वाली साइड छोटी होगी, और अगर कोई एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी। तो अभी हमने कहा कि डी बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड जो सी ई है वो बड़ी होगी सी डी की नस्बत। तो वही बात हमने लिख दी कि जो सी डी की मेजरमेंट है दिस इज लेस देन सी ई, या फिर सी ई बड़ा है सी डी से, ठीक है, एक ही बात है। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ये हमने जो है साथ उसकी रीज़न दे दी है। बट ई इज एनी पॉइंट ऑन ए बी, ठीक है। लेकिन ई जो था वो ए बी पर हमने कोई सा भी रैंडम पॉइंट लिया था, रैंडम मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं था, हमने कोई भी पॉइंट उठा लिया था। हैंस मेजरमेंट ऑफ द सी डी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए बी, ठीक है। यही बात मैंने आपको पहले कही थी कि अगर हम प्रूफ कर देंगे कि सी ई जो है वो ग्रेटर साइड है, ग्रेटर डिस्टेंस है, तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि जो सी डी है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। परपेंडिकुलर जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो चुका है। उसके बाद हमारे पास नोट में है कि द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। वही बात है जो हमने थ्योरम में लिखी थी कि डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट इज़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, ठीक है। वो जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं ना पॉइंट और लाइन के दरमियान, उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है ना वही हमारे पास जो है वो डिस्टेंस होता है पॉइंट का लाइन से। सेकेंड पॉइंट है कि डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट लाइंग ऑन इट इज़ ज़ीरो, मतलब अगर एक पॉइंट, अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा था ना वो था कि अ लाइन एंड अ पॉइंट विच इज़ नॉट ऑन द लाइन, ठीक है। अब जो है, अब ये है कि एक लाइन है और पॉइंट उसी लाइन पर लाई कर रहा है, तो उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो उसी पर लाई कर रहा है ना, तो डिस्टेंस कुछ होगा ही नहीं। तो ये हमारा आज का थ्योरम था। होप सो कि आप सब लोगों ने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर दिया होगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है, तो रिव्यू में जैसे हम करते हैं कि ऑब्जेक्टिव पार्ट आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे और जो सब्जेक्टिव है वो मैं करवा दूँगी, ठीक है। इस चैप्टर के थ्योरम्स जो थे उसकी स्टेटमेंट आप लोगों ने लर्न कर लेनी है। मैं बार बार कहती रहती हूँ कि आप लोगों ने लर्न कर लेनी है कि इसमें से एमसीक्यूज़ बन सकता है। ओके स्टूडेंट्स, फी अमान अल्लाह।